नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सरकार के साथ किसान संगठनों की आठवें दौर की बातचीत में भी नहीं निकला कोई सार्थक हल। कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसान, सरकार ने रखा संशोधन का प्रस्ताव। MSP पर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन, 40वें दिन भी जारी। बेमौसम बारिश और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन के बीच रिलायंस का बड़ा बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नहीं कोई योजना। पंजाब और हरियाणा में जियो टावर में तोड़फोड़ में राज्य सरकार से ध्यान देने की अपील। बंगाल में भाजपा के रोड शो में फिर हुआ हंगामा। कोलकाता में प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर फेंका गया जूता, TMC कार्यकर्ता पर आरोप। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, बेनामी संपत्ति के मामले में की पूछताछ। मामले में वाड्रा ने ले रखी है अग्रिम जमानत। PMC बैंक घोटाले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। बुलावे के एक दिन पहले ही ED दफ्तर पहुंची संजय राउत की पत्नी। ED ने पूछताछ के लिए मंगलवार को किया था तलब। भारत में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम, बोले PM मोदी। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेक इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को किया डेवलप। देश में कोरोना वैक्सीन पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस के सवाल उठाने पर बोले संबित पात्रा। वैक्सीन आने से कोरोना और कांग्रेस दोनों ही परेशान, पहले अपने अध्यक्ष पर ट्रायल करे कांग्रेस। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, कहा वैक्सीन के भ्रम को दूर करने के लिए पहले PM और CM लगवाए वैक्सीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, कहा जरूरी लोगों के बाद ही खुद लगवाएंगे टीका। प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं बन पाने पर फिर छलका, भाजपा के सीनियर विधायक अजय बिश्नोई का दर्द, कहा मां कौशल विंध्य फड़फड़ा सकेंगे उड़ नहीं सकेंगे। कैबिनेट विस्तार में सिंधिया खेमे के ही दो नेताओं को मिली जगह। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर और बड़ी दहशत, इंदौर में 10 और कौओं में संक्रमण की पुष्टि। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, पक्षियों की मौत पर रखी निगरानी। नए साल में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री CM शिवराज ने अधिकारियों को लगाई फटकार, OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट पर सख्ती के लिए CM केंद्र से करेंगे बात। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सुनवाई के लिए NIA कोर्ट में पेश हुई भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में मृतकों की संख्या 25 तक पहुंची। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने NH 58 पर किया प्रदर्शन, घंटों लगा रहा जाम। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद का आश्वासन। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में सरकार की बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारी गिरफ्तार, आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगा प्रशासन। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार में दिखाई दी तेजी, सेंसेक्स में 307 अंकों का उछाल, निफ्टी भी 114 अंक बढ़ा। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, भोपाल सहित आसपास के जिलों में बूंदाबांदी, आसमान पर छाए बादलों का डेरा, कोहरा और धुंध भी रहा। अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव का ट्रेलर हुआ रिलीज, ये है एक पॉलिटिकल ड्रामा। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर जैसे कलाकारों से सजी ये सीरीज 15 जनवरी से अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिलेगी। सोनू सूद अब किसान बनेंगे रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील लाइफ में। राज शार्डिल्य की फिल्म उन्होंने साइन की है जिसे ई निवास डायरेक्ट करेंगे, बाकी के कलाकारों का चयन होना बाकी है। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।